जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसे कि इस कंपनी के यदि आप निवेशक हैं तो आपको पता होगा बहुत दिनों से इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है शेयर मार्केट में। बस यह कंपनी लिस्टेड है लेकिन ट्रेडिंग इसमें नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी नया बाय सेल इस स्टॉक में नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नए निवेशक तो है वो तो बाय नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हो रही है कि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि कंपनी के पास एनुअल लिस्टिंग फी जो होता है, जो एक्सचेंजेस को पे करने होते हैं, शायद ऐसा तो नहीं है कि इतने भी पैसा नहीं हो गए, कंपनी ने इसको पे नहीं किया है। लेकिन मेन चीज है कि इसकी वजह से सिर्फ ये फी पे नहीं करने की वजह से इसमें ट्रेडिंग सस्पेंडेड है। तो समझेंगे ट्रेडिंग ये जो सस्पेंडेड है कभी से बाहर होगा, कब ये एनुअल लिस्टिंग फी पे करेगा ताकि इसमें ट्रेडिंग फिर से दोबारा शुरू हो और इसमें नए बायर्स भी आए और जिसके पास पहले शेयर्स वो भी यदि बेचना चाहते तो बेच सके। हम लोग इस कंपनी के बाकी डिटेल्स को समझेंगे लेकिन उसके पहले पहले ये समझ ही लेते हैं हम लोग इस कंपनी के बाकी डिटेल्स को, ताकि समय आ गया है कंपनी अपना जो एनुअल लिस्टिंग फी है जिसकी वजह से इसमें ट्रेडिंग सस्पेंडेड है इसको पे करके इसमें ट्रेडिंग शुरू करा सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे आपको बताऊंगा। तो उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कंपनी काम क्या करती है और इस कंपनी का चार्ट पैटर्न थोड़े से बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये कंपनी बहुत सारे विभागों में कहें तो कंपनी कामकाज करती हुई नजर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इरीगेशन सिस्टम एक सिंचाई तकनीक के लिए कंपनी काम करती है, साथ में पावर जनरेशन का भी कंपनी सुविधा देती है और इसके अलावा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं भी कंपनी देती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के ये बिजनेसों में कंपनी कूदी हुई है। तो इस तरीके से जब क्या होता है मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी कूदी होती है तो एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है जिससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में। अगर ये तो मैंने सिर्फ काम की बात बताई है यहाँ पे, और ओवरऑल यदि फंडामेंटल की बात करें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन वाली कंपनी, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस अभी कम होने के बाद 40 पैसे आ गया, यानी कि बीच में अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया भी था, बुक वैल्यू भी निगेटिव में चल रहा, साथ में आरओए भी यहाँ पता नहीं, यानी कि फंडामेंटल अभी तक थोड़ा हमें कमजोर नजर आया। आगे और भी डिटेल्स में फंडामेंटल को समझेंगे लेकिन सबसे पहले चार्ट को समझते हैं। देखिए 1 साल का चार्ट यहाँ पर ओपन है, 1 साल का चार्ट पर आपको दिखेगा कि सामान्यतः तो होता क्या है कि जब भी ये स्टॉक रेंज बाउंड से बाहर निकलता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ गया अच्छा खासा, यहाँ से तकरीबन कह सकते हैं कि 30 पैसा के आसपास से प्राइस उठना शुरू हुआ और 65-70 पैसा के आसपास गया, लगभग पैसा डबल हो गया। यहाँ पे पैसा डबल होने के बाद जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे और उसके बाद प्राइस नीचे आया और नीचे आके कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया। अब कायदे से होना ये चाहिए था कि जब स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है तो इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया क्योंकि यहीं पर आ गया, दिक्कत हो गया, कंपनी ने अपना एनुअल लिस्टिंग फी यहाँ पे नहीं किया, इसमें ट्रेडिंग बंद हो गई। और जो ट्रेडिंग बंद हुई तो ये तो एक नेगेटिव न्यूज है, और नेगेटिव न्यूज जिस स्टॉक के प्रति आएगा उसका शेयर प्राइस तो नीचे जाएगा ही जाएगा, वही इसका प्राइस नीचे आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो देखिए जब चार्ट पर डब्लू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, और वहीं पे जब एम टाइप का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एम टाइप का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, यानी कि अभी भी चांसेस हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। अच्छा अगर नीचे जाएगा तो और कितना नीचे जा सकता है, उसके लिए मैं यदि मैक्सिमम चार्ट इस कंपनी का ओपन करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे कि लगभग अपने सपोर्ट जोन के पास ही इस स्टॉक का प्राइस खड़ा है। ये लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये प्राइस आ सकता है, यानी कि अभी ये जो शेयर प्राइस आप देख रहे हैं कि इसका शेयर प्राइस 40 पैसा के आसपास से ये लगभग आ सकता है, कह सकते हैं कि 20 पैसा के आसपास, हालांकि 20 पैसा के आसपास आने के चांसेस नहीं है, उम्मीद है कि इसी रेंज अमाउंट में अभी जो है 40 पैसा 60 पैसा इसी के बीच में रखे प्राइस, इसी में थोड़े समय बीत और फिर ऊपर निकलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब वो समय आ गया है कि कंपनी अपना एनुअल लिस्टिंग फी पे कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में जब आप इन्वेस्टर्स देखते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन आपको 12% के आसपास दिखेगी, यानी कि इस कंपनी में जो खुद के मालिक होते हैं जिन लोगों ने कंपनी को बनाया जब उनकी हिस्सेदारी है तो हमें उतनी डरने की बात नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स जब हैं तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी बर्बाद हो या कंपनी डूबे। तो इसलिए ये लोग कुछ ऐसा करने की विचार कर रहे हैं जिससे लगता है कि जो अब कंपनी में ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। चलिए हम लोग उस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ पर मैंने स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल लिस्टिंग ड्यूज। अब अच्छी बात यह है कि जब क्या होता है कोई भी स्टॉक में ये निगेटिव न्यूज होती है कि एनुअल लिस्टिंग फी पे नहीं करने की वजह से स्टॉक में ट्रेडिंग सस्पेंडेड है, तो ये जीएसएम या एएसएम की कैटेगरी कुछ जो भी कैटेगरी होती है उसमें देखते हैं। हालांकि यहाँ पे जो भी स्टेजेस हैं वो सब जीरो हैं, यानी कि एएसएम कैटेगरी में स्टॉक था उससे बाहर आ गया, आईआरपी का इसमें और जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलने वाला था वो भी
नहीं हो रहा है, इसमें वो भी जीरो है ये स्टेज। तो ओवरऑल बात ये है कि जब किसी स्टेज में ये नहीं है तो ये अब इससे बाहर आने की प्रक्रिया है, जो मैंने शुरू में बताया कि ऐसा उम्मीद अब जग रहा है कि कंपनी अब इससे बाहर आ जाएगी और उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि एनुअल लिस्टिंग फी पे करने की कंपनी तैयारी कर ली, जो भी डेब्ट था उसको चुकाने की कंपनी की लगभग लगभग तैयारी पूरी हो गई है, और अब जाके इसमें ट्रेडिंग फिर से शुरू होते हुए नजर आएगी। और एक बार ट्रेडिंग शुरू हो गई तो फिर से इस कंपनी में अच्छे दिन लौट आएंगे। पेनी स्टॉक है, अच्छा चल सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको संभल के काम करना होगा। ओवरऑल यदि बात करें इस स्टॉक में करना क्या, तो देखिए मैं इस स्टॉक को लेके कुछ खास निगेटिविटी अभी नहीं फैलाऊंगा, निगेटिविटी है भी नहीं कुछ खास, क्योंकि अभी तो ट्रेडिंग ही जब बंद है तो क्या ही। आप वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद फिर से मैं नया वीडियो बनाऊंगा और अपडेट करूंगा कि अब आगे इसमें क्या करना है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको ये जानकारी कैसे ली कमेंट करके जरूर बताएं। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया।